पंजाब से पिछली हार का बदला लेने के लिए धोनी ने टीम में कर डाले बड़े बदलाव। धोनी ने तीन खिलाड़ियों की अचानक कराई टीम में एंट्री, अब पंजाब की खैर नहीं। आज चेन्नई अपनी इस रणनीति से पंजाब से मिली पिछली हार का हिसाब चुकता करेगी। चेन्नई सुपर किंग्स को अपना पिछला मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ 7 विकेट से गंवाना पड़ा था। चेन्नई आज फिर पंजाब के खिलाफ मुकाबला खेलने उतरेगी। ये मुकाबला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में खेला जाएगा। पिछले मुकाबले में मिली हार का बदला चेन्नई लेना चाहेगी। ऐसे में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अपनी प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव कर सकते हैं। चेन्नई का प्रदर्शन अब तक औसतन रहा। टीम ने खेले गए 10 मुकाबलों में 5 जीते और 5 गंवाए। हैरानी वाली बात तो ये है कि इससे पहले इन दोनों टीमों का आमना सामना 1 मई को हुआ था, जिसे पंजाब किंग्स ने CSK को उसी के गढ़ में रौंद डाला था। ऐसे में धोनी गायकवाड़ के पास बदला लेने का अच्छा मौका होगा और प्लेऑफ की रेस के लिहाज से भी ये मुकाबला चेन्नई के लिए काफी अहम है। तो चलिए जानते हैं किन बड़े बदलावों के साथ आज चेन्नई की टीम धर्मशाला में उतरेगी। यह होगी सलामी जोड़ी। पिछले कुछ मुकाबलों में चेन्नई की ओर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे पारी की शुरुआत करेंगे, लेकिन रहाणे अब तक सलामी बल्लेबाज के रूप में खासा प्रभावित नहीं कर सके। वह पिछली 5 पारियों से लगातार फ्लॉप हो रहे हैं और एक भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। ऐसे में उनका पत्ता कट सकता है। उनकी जगह एक बार फिर से रचिन रविंद्र को मौका मिल सकता है। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ इस बार शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने अब तक खेले गए 10 मुकाबलों में 63 की औसत के साथ 509 रन बनाए हैं। ऐसा होगा मध्यक्रम नंबर 3 पर डैरिल मिचेल को मौका मिलेगा। मिचेल स्ट्राइक रोटेट करने के लिए जाने जाते हैं और साथ में वो बड़ी पार्टनरशिप भी करते हैं। इसके अलावा नंबर 4 पर शिवम दुबे की जगह पक्की है। उन्होंने अब तक खेले गए 10 मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया, 50 की औसत के साथ 350 रन बनाए और 3 अर्धशतक भी उन्होंने अपने नाम किए हैं। इसके अलावा लोअर मिडिल ऑर्डर में मोइन अली, रविंद्र जडेजा और MS धोनी फिनिशर की भूमिका में नजर आएंगे। गेंदबाजी क्रम में होंगे 3 बड़े बदलाव। स्पिन गेंदबाजी विभाग में रविंद्र जडेजा, रचिन रविंद्र के अलावा मोइन अली मोर्चा संभाल सकते हैं। जडेजा ने अब तक खेले गए मुकाबले में किफायती गेंदबाजी की है। इसके अलावा तेज गेंदबाज यूनिट रिचर्ड्स ग्लेसन, मथीशा पथिराना, तुषार देशपांडे, शार्दुल ठाकुर और RS हांगराकर के कंधों पर होने वाली है, क्योंकि तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान अपने देश लौट चुके हैं जबकि दीपक चार चोटिल हैं। ऐसे में उनका पंजाब के खिलाफ मुकाबला खेलने पर सस्पेंस है। खबरें तो ये भी हैं कि वो बचे हुए सीजन से बाहर हो सकते हैं। हालांकि मथीशा पथिराना की पंजाब के खिलाफ वापसी हो सकती है। वो पिछले मुकाबले चोट के कारण नहीं खेल पाए थे। अगर वे प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाते तो उनकी जगह पर रिचर्ड ग्लेसन का हिस्सा बनाया जा सकता है। मुस्तफिजुर रहमान इस सीजन कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। अब तक सीजन में वो 13 विकेट अपने नाम कर चुके थे। ऐसे में उनके स्वदेश लौटने के बाद टीम को बड़ा झटका लगा है। तो चलिए एक नजर डालते हैं पंजाब के खिलाफ मुकाबले में चेन्नई की संभावित प्लेइंग 11 पर। रचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान, डैरिल मिचेल, मोइन अली, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, MS धोनी विकेट कीपर, तुषार देशपांडे, मथीशा पथिराना, राजवर्धन हंगरेकर और शार्दुल ठाकुर। तो इन 11 धुरंधरों के साथ आज पंजाब किंग्स को ढेर करने धर्मशाला के मैदान पर उतरेंगे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।